हम सबको स्नैक्स खाना तो बहुत पसंद आता है, और सबसे फेवरेट स्नैक्स में सबसे पहले जो नाम मुझे क्लिक हो रहा है इस टाइम, वो है पटेटो चिप्स। आई एम श्योर कि आपको भी पटेटो चिप्स बहुत ही पसंद आते होंगे। अब जरा सोचिए कि जो पटेटो चिप्स आपके टेस्ट को बढ़ाते हैं, वही आपकी इनकम भी बढ़ाने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही जबरदस्त है ना? तो फिर क्यों ना आप पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का सोचे, और वो इसलिए कि डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर्स में आने वाले ये पटेटो चिप्स इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, और वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स में भी ये शामिल हो गए हैं। यानी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये प्रोडक्ट हर एज ग्रुप्स के बीच में फेमस है, और इस अफोर्डेबल स्नैक का मार्केट शेयर फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि इस टेस्टी बिजनेस को कोई भी स्मॉल स्केल पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकता है। ऐसे में आपके लिए ये वाकई में बहुत अच्छा रहेगा कि आप पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, ताकि आप समझ पाए कि ये बिजनेस किस तरीके से आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने से जुड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मेजर स्टेप्स। नंबर एक पर है बिजनेस प्लान तैयार करें। भले ही पटेटो चिप्स खाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना ही होगा। अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स बिजनेस प्लान में क्लियर करें। और अगर लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का इरादा रखते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के बेस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान तैयार करें। और ध्यान रखिए कि इसी के बेस पर आपको बैंक लोन मिल सकता है, इसीलिए इसका परफेक्ट होना जरूरी है। आप चाहे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। नंबर दो पर है पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट को एस्टिमेट करें। प्लांट की कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें प्रोडक्शन क्वांटिटी, बिजनेस साइज जैसे कई फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिक्स्ड कैपिटल में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी जैसे एक्सपेंसेस आते हैं, और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल्स, लेबर, यूटिलिटीज एक्सेट्रा आते हैं। पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग प्लांट की कॉस्ट 15 लाख रुपए तक आती है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स, बैंक से कमर्शियल लोन्स, क्राउड फंडिंग या इन्वेस्टर्स के थ्रू किया जा सकता है। अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 80,000 से 1,00,000 रुपए तक इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप केवल लोकल मार्केट में सिलेक्टेड स्टोर्स पर ही चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये अमाउंट 10,000 या उससे भी कम हो सकता है। नंबर तीन पर है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लीजिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से कई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। आपको आपका बिजनेस ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करवाना होगा। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस और MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी करना होगा। GST रजिस्ट्रेशन, FSSAI सर्टिफिकेशन, IEC कोड की जरूरत भी होगी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेना होगा, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा कर आप अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर चार पर है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप लोकेशन सिलेक्ट करें। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेशन के लिए स्पेस की जरूरत होगी, और एक स्मॉल स्केल यूनिट शुरू करने के लिए 800 स्क्वायर फुट स्पेस काफी होता है। बाकी आप अपने बिजनेस साइज के अकॉर्डिंग इसे समझ लीजिए, और ये चेक कर लीजिए कि फैक्ट्री में आपको सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई मिल रही हो। नंबर पांच पर है चिप्स मेकिंग मशीन्स को अरेंज करें। आप सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक बेसिस पर अपनी यूनिट शुरू कर सकते हैं, और इसमें जिन बेसिक मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो है पटेटो वॉशिंग एंड पीलिंग मशीन, स्लाइसिंग मशीन, डी वॉटरिंग मशीन, बैच फ्रायर, स्पाइस कोटिंग मशीन, सीलिंग मशीन विद इनर्ट गैस फ्लशिंग यूनिट, स्टेनलेस स्टील वर्किंग टूल्स, वेटिंग स्केल्स, डिस्पेंसर, फिलर्स और प्लास्टिक ट्रेस एक्सेट्रा। नंबर छह पर है यूनिट के लिए रॉ मटेरियल्स परचेज करें। पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मेजर रॉ मटेरियल पटेटो है, जिनका गुड क्वालिटी का होना जरूरी है। इसके अलावा ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड फ्लेवर्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड होंगे, और आपको पैकेजिंग के लिए पॉली पाउचेस और बॉक्सेस की जरूरत भी होगी। नंबर सात पर है पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझिए। हो सकता है कि आप खुद पटेटो चिप मैन्युफैक्चर प्रोसेस में शामिल ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आपके लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करवाना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको इसका बेसिक आइडिया तो जरूर से लेना चाहिए। और पटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ये स्टेप्स होते हैं। सोर्टिंग पटेटोज,
रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पोटेटोज छांटे जाते हैं, जैसे वेफर्स के लिए लार्ज ओवल शेप फुली मैच्योर्ड पोटेटोज चाहिए होते हैं। वॉशिंग एंड पीलिंग, इसके बाद पोटेटोज को वॉश किया जाता है और फिर या तो पीलर से मैन्युअली छीला जाता है या फिर पोटेटो पीलिंग मशीन से पील किया जाता है। इसके बाद इन्हें पानी में रखा जाता है। स्लाइसिंग, पील करने के बाद पोटेटोज को स्लाइसिंग मशीन से स्लाइस कर लिया जाता है और उन्हें कोल्ड वाटर में रखा जाता है। ब्लांचिंग, अगले स्टेप में स्लाइस्ड पोटेटो को 3 से 5 मिनट बॉइलिंग वाटर में ब्लांच किया जाता है और फिर ट्रेस में फैला दिया जाता है। अगला स्टेप आता है ड्राइंग एंड फ्राइंग। इसके बाद ब्लांच्ड पोटेटो स्लाइसेस को स्पिन ड्रायर या हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से ड्राई किया जाता है ताकि चिप्स में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल लिया जाए। फ्लेवरिंग, इसके बाद चिप्स के ठंडा होने पर इसमें सॉल्ट, स्पाइसेस एक्सेट्रा मिला दिए जाते हैं। और लास्ट स्टेप होता है पैकिंग, जिसमें चिप्स को वैक्यूम सीलिंग मशीन्स की हेल्प से प्लास्टिक बैग में सील कर दिया जाता है और कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करके क्लाइंट्स को डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ पोटेटो चिप्स मेकिंग इस तरीके की भी की जाती है, जिसमें ब्लांचिंग और ड्राइंग स्टेप्स के बाद ही चिप्स को सेल कर दिया जाता है और कस्टमर्स उन्हें अपनी कन्वीनियंस से फ्राई करके यूज कर लेते हैं। इस तरह के अनफ्राइड चिप्स की शेल्फ लाइफ फ्राइड चिप्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। और अगर आप हेल्दी पोटेटो चिप्स बनाना चाहे तो चिप्स को फ्राई करने के बजाय इंडस्ट्रियल ओवन्स में बेक किया जा सकता है। और अब पोटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद अगला स्टेप आता है नंबर 8, प्राइसिंग सेट करें। पोटेटो चिप्स के मार्केट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि हाई प्राइस चिप्स पैकेट का मार्केट में टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब उसमें कोई यूनिक फीचर ना हो। तो ऐसे में आपको इस कंपटीशन को सीरियसली समझते हुए मार्केट में मौजूद कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को एनालाइज करने के बाद ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना चाहिए, ताकि ना तो आपको लॉस हो और ना ही आपके चिप्स की प्राइस इतनी हाई हो कि मार्केट के कंपटीशन में आपके पोटेटो चिप्स टिक ही ना पाए। नंबर 9 पर है मार्केटिंग भी जरूरी है। हर बिजनेस की तरह पोटेटो चिप्स बिजनेस को भी मार्केटिंग की कितनी जरूरत है, ये तो आप एडवर्टीजमेंट्स में देखते ही रहते हैं और उन्हें देख कर के ही तो हम नए नए पोटेटो चिप्स खरीदने मार्केट में चले जाते हैं। इसलिए आपको भी तो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी मार्केटिंग करनी होगी। आपका स्मॉल बिजनेस है तो चिप्स सेल करने के लिए आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपने चिप्स को प्रमोट कर सकते हैं। आप बिग बास्केट, अमेजोन, ग्रोवर्स, जियोमार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो बड़ी कंपनीज के लिए भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। नंबर 10 पर है प्रॉफिट मार्जिन। आपके बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन मार्केटिंग कॉस्ट, मटेरियल सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये मार्जिन 20-30% तक हो सकता है, यानी अगर आप 10 किलो पोटेटो चिप्स 200 रुपए प्राइस में सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 40-60 रुपए। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट प्राइस रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे फूड आइटम्स में अच्छा मार्जिन मिल सकता है अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसा करने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और वर्क फोर्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसलिए अपने बिजनेस को प्लान करते समय प्रॉफिट मार्जिन को भी अच्छे से समझ लें और उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग और प्रोडक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से इन 10 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना पोटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सही स्ट्रेटेजी और बिजनेस प्लान को फॉलो करते हुए हर किसी की जुबा पर अपने पोटेटो चिप्स का स्वाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी बात याद रखिएगा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसने आपको पोटेटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में सोचने के लिए एनकरेज किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन सभी रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें पोटेटो चिप्स बहुत पसंद है और वो लो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा भी रखते हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही कोई और भी सवाल है, ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं क्विक सपोर्ट की पूरी टीम उस पर रिसर्च करे और वीडियो लेकर आए, तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। बाकी नए लोग जितने जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।